पता है आज क्या बनाए? क्या तू सोच भी नहीं सकते हो। मेरे को भूख नहीं, मेरे को भूख नहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हम छो बदा मजा माने। तो गाइस आज है सातवें महीने की जुलाई की फिफ्थ डेट, और आज मैं जा रहा हूँ बाहर कुछ काम से। एक्चुअली जैसा मैंने बोला था कि मैं थोड़ा वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसी मामले में किसी से मिलने जाना है, तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन हमें सुबह सुबह जो है, अभी बजे हैं सुबह के 7:45। बड़ौड़ा में एक्चुअली 7:45 बजे भी धूप हो जाती है, हुई है, मतलब सूरज आ गया है, पर एकदम भयंकर वाली धूप नहीं हुई है। तो प्लान ये है कि मैं साइकिल लेके जाऊंगा, तो एकदम रिलैक्स पहन लिया है। बहुत टाइम बाद कहीं थोड़ी दूर साइकिल लेके जाने का प्लान है। नेहा सो रही है। नेहा एक्चुअली इसलिए सो रही है क्योंकि उसने रात भर वीडियो एडिटिंग करी है, तो इसे सोने देते हैं, अपन चलते हैं। तो गाइस मैं सर को मिल के आ गया। शायद मैं ये जिम ज्वाइन कर रहा हूँ, पर सर ने मेरे को आज ही बुला लिया, शाम को 7 बजे आ जाओ। और मैं भी ना साइकिल लेके चला गया था, मैंने आपको बोला था, तो मेरे को 45 मिनट जाने के लगे, आधा घंटा आने का लगा, करीब करीब 1.5 घंटे साइकिल चलाई, तो बहुत थकान ऑलरेडी लग गई है। तो मैंने नेहा को बोल के स्पेशली पोहे बनवाए, पोहे ना मूड फ्रेश कर देते हैं। गाइस मैंने खाते खाते टीवी पे फ्लैश लगा ली थी, अब मम्मी हमको डांट रही है। अभी हम खाते टाइम खाने का काम करते हैं। मैं नियम से रहती हूँ, नियम से खाती हूँ, नियम से तो 7 किलो वजन कम हो गया। उसको बोलते हैं बीमार होना बिना किसी कारण के, 7 किलो वजन कम होता है ना, तो कोई बीमारी नहीं है। हाँ। दर्द ये तो चलता रहता है, तो बुढ़ापा है अब हमारा। 7 किलो वजन अगर बिना किसी कारण से कम होता है तो उसे बीमार होना बोलते हैं भाई, मेरे हिसाब से। गाइस खाना खा के हो गया, थोड़ी देर आराम किया, अब मैडम बोल रही है कि तेल डाल दो। ये हम लाए थे जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए थे, तो वहाँ पे खादी इंडिया का शॉप था। ये तेल कौन सा वाला है? ब्रह्मी आंवला एंड ब्रह्मी हेयर ऑयल, देखते हैं। वैसे ना मुझे कोई तेल वेल जमते नहीं है। गाइस नया वो लगाने के बाद हम थोड़ा अपना भी चम्पी कर लेते हैं। तो गाइस अब शाम के 7:45 बजे हैं और अब मैं वहाँ जिम जा रहा हूँ। मैं फॉर्मल कपड़े पहन के इसलिए जा रहा हूँ, एक्चुअली बैग में जिम क्लोथ्स रखे हैं, लेकिन फॉर्मल कपड़े पहन के इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि बीच में एक मीटिंग है, वो करते हुए निकलना है। तो लेट्स हरी अप। A few moments later. So guys, we are done with the workout. और मैंने मास्क की जगह रुमाल इसलिए पहना है बिकॉज जिम में जाके मैंने कहीं मास्क उतार दिया और आई थिंक वो बैग में चला गया है और समथिंग लाइक दैट, जिम बैग में चला गया, अभी मुझे फिलहाल नहीं मिल रहा है। सो ऐसे ही घर चलते फटाफट। तो गाइस घर पे आ गए और ये लोग ऑलरेडी डिनर पे बैठ गए। मेरे को अभी नहाना पड़ेगा भाई, बाहर से आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोविड पूरी तरह खत्म हो गया। चलो तो गाइस हमने लिए नहा, हम हो गए तैयार, नेहा ऊपर आ चुकी है और वो ब्लॉग पे काम करना शुरू कर रही है, एडिटिंग वगैरह, हम चलते नीचे, डिनर बाकी है। गाइस आज का ब्लॉग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बजे हैं रात के 1:30 बज रहे हैं और मेरा पूरा शरीर दुख रहा है जिम करके, और मैडम अपना ब्लॉग एडिट कर रही है, थोड़ा इंपॉर्टेंट ब्लॉग है तो आराम से एडिट कर रही है, और अब मैं सो रहा हूँ भाई। जिम करने के बाद भाई ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त ऐसा लग रहा है, बस सो जाओ। सो रहे हैं, कल सुबह मिलते हैं आपसे। गाइस वी आर बैक एट द जिम, दिस इज़ डे 2। देखो गाइस ये लड़की मुझे आई लव यू बोल रही है, वो भी क्या दे रही है बताओ। ये झूठ बोल रही है गाइस, अभी 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 ये ऐसे इसको तोड़ा भी नहीं, ये मुझे हाथ में देके बोल रही है आई लव यू। फूल नहीं तोड़ते हैं। तो सीधा पौधा हाथ में दे देते हैं। पौधा नहीं दे रही हूँ, सिर्फ दिखा रही हूँ, देखो आई लव यू बस। अब ये सोच लो कि आपको आई लव यू बोला कि आपको कुछ नहीं हो सकता गाइस, कुछ भी नहीं हो सकता इसका। तेरे को मैं सोच रहा हूँ इस बार एनिवर्सरी पे एक बढ़िया दिमाग के डॉक्टर को दिखा देते हैं, उसकी फिलहाल आपको जरूरत है। आपको जरूरत है? नहीं। अरे यार हमारे पास बहुत सारा दिमाग है, ये जो दिमाग रोज बच्चे खा जाते हैं उसके लिए आपको जरूरत है, आप दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ। अभी फिलहाल मुझे किचन के डॉक्टर की जरूरत है, पेट में भूख लगी है। तो हमें थैंक यू, खाना दो। नहीं देना। पता है आज क्या बना? क्या तू सोच भी नहीं सकते हो? पालक पनीर नहीं बनी है, पालक की खिचड़ी बनी है। पालक की खिचड़ी? मेरे को भूख नहीं बिल्कुल। चलो किचन के डॉक्टर के पास। नहीं चलेगा, हम बिस्किट खा के चला दें। गाइस इसे कहते हैं पालक की खिचड़ी। अब ये बता कि पालक की खिचड़ी बनाने का आइडिया किसका था? मास्टर शेफ इनका था, इनका। पालक भी वही लाए और खिचड़ी भी उन्होंने ही बनाई। नहीं पालक लाना कोई प्रॉब्लम नहीं है,
पनीर लाना चाहिए साथ में। पालक की खिचड़ी में कहाँ से पनीर डाले, पालक पनीर अलग बनता है, पालक खिचड़ी अलग बनती है। तो कम से कम पनीर डाल लेती तो मैं खिचड़ी हटा के खा लेता ना पालक पनीर। अच्छा। आज गाइस पापड़ खा के काम चलाना पड़ेगा, खिचड़ी बुरी नहीं बनी है, खा के तो देखो। हाँ, एक बार तो देख। मजबूरी है और कुछ बना ही नहीं है। क्या वो रोटी नहीं लिया डब्बा में होगा रोटी, अरे खिचड़ी नहीं चाहिए। है पर रोटी किसके साथ खाएंगे, खिचड़ी के साथ खिचड़ी ले जाएंगे। बस अब इससे ज्यादा दुख नहीं सहा जाएगा। ना खिचड़ी का टेस्ट आ रहा है ना पालक की सब्जी, ठीक ठाक है। तुम्ही का रिएक्शन क्या था वो देख लो। दिस इज स्पेशल लज़ानिया, यू नो इट हैज वाइस ग्वाइंस इन ग्वाइंड इनटू ग्वीन पालक सब्जी। अच्छा, तो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलिए, कल एक और छोटी कहानी सुनाएंगे। तो मैं हूँ पार्थ, ये है नेहा, और हम रोज एक ब्लॉग डालते हैं, तो अगर चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करना। गुड नाइट काले मड़िए, अने जो चैनल गमे तो सब्सक्राइब जरूर करजो। बाय।